इस वीडियो में हम लोग जेई 2020 में डाइपोल और वर्क डन के ऊपर एक क्वेश्चन आया है, उसे हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन में गिवन है कि एक पॉइंट चार्ज एक क्यूब जिसका मास है एम और उसे हमने एल लेंथ के स्ट्रिंग से वर्टिकली सस्पेंड करा है। अब एक पॉइंट डाइपोल है जिसकी वैल्यू है, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू है पी वैक्टर, और उसे हम इन्फिनिटी से क्यू की तरफ मूव करते हैं। अभी जो फाइनल इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी, जो चार्ज की फाइनल इक्विलिब्रियम पोजीशन है, वो आपको डायग्राम में गिवन है, और वो जो एंगल है वो गिवन है आपको अल्फा। और आपको फाइंड करना है कि जो वर्क डन होगा डाइपोल को इस पोजीशन में लाने के लिए, जो वर्क डन होगा उसकी वैल्यू क्या होगी। तो एक बार वीडियो को यहाँ पर पॉज करना है आपको। वीडियो को पॉज करने के बाद इस क्वेश्चन को केयरफुली रीड करो, जो डेटा गिवन है उसे रीड करो, जो डायग्राम गिवन है उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, और उसके बाद इसके सॉल्यूशन पार्ट पर जंप करना। चलिए, तो अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं, सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। सो बेसिकली इनिशियली जब सेपरेशन इनफाइनाइट था, तब हमने सिस्टम की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो अज्यूम करी है। अब फाइनल कन्फिग्रेशन में, जो फाइनल हमें डायग्राम गिवन था क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग फाइनल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, एक तो डाइपोल और चार्ज के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ये वाला टर्म है, ये है पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन डाइपोल एंड चार्ज। ऐसा बोलना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डाइपोल प्लस एक्स्ट्रा एम जी एच, जो कि इस पर्टिकुलर मास के ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगी, ये सिस्टम की फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। अच्छा, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हम लोग अल्फा और थीटा में रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। जो हमें डायग्राम में अल्फा और थीटा गिवन है, उसके हेल्प से हमें रिलेशन मिलता है, वैल्यू ऑफ अल्फा विल बी इक्वल टू 2 थीटा। अब बेसिकली हमें फाइनल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की फाइंड करनी है, तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे। ट्रायंगल एबीसी की हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, अगर हमें ये हाइट फाइंड करनी है, अगर हम हाइट फाइंड करना चाहते हैं, तो हाइट फाइंड करने हम बोल सकते हैं कि वर्टिकल हाइट होगी 12 sin α/2, ये जो साइड है साइड की लेंथ होगी 12 sin α/2, तो 12 sin α/2 × sin θ ये वर्टिकल हाइट हो जाएगी। और क्योंकि यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा, α/2, तो अगर हम इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमें फाइनल हाइट का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। अब पॉइंट बी पर, ये जो पॉइंट बी था जहाँ पर चार्ज इक्विलिब्रियम में है, इसके इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, और इस पर हम लोग लगाते हैं साइन रूल। यहाँ पर तीन कॉन्करेंट फोर्सेस हैं जिनके प्रेजेंस में चार्ज इक्विलिब्रियम में है, तो हम लोग यहाँ पर साइन रूल अप्लाई कर रहे हैं। तो एम जी अपॉन, ये जो एम जी की वैल्यू है, डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 90 प्लस α/2, ये वाला जो एंगल है, साइन ऑफ 90 प्लस α/2 इज इक्वल टू क्यू ई डिवाइडेड बाय, जो क्यू ई की वैल्यू है, डिवाइडेड बाय उसके अपोजिट एंगल, उसके अपोजिट ये कंप्लीट एंगल होगा, sin 180 - 2θ। और इसी एक्सप्रेशन को फर्दर सिंप्लीफाई करने पर, थोड़ा सा हम इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं, जहाँ पर हम लोग थीटा की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो 2θ वाला एक्सप्रेशन आ रहा है, तो अगर हम इसे एलिमिनेट करते हैं तो हमें फाइनल जो रिजल्ट मिलेगा वो कुछ इस फॉर्म में मिल रहा है। क्यू ई की वैल्यू जो है वो हमें इस फॉर्म में मिलती है। अब यहाँ पर ई क्या है, ई है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्चुअल पोजिशन ऑफ डाइपोल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ई की वैल्यू पेस्ट कर देंगे, ई की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, जहाँ पर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट चार्ज फ्रॉम डाइपोल कितना गिवन है हमें, वो हमने ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से फाइंड किया था, 12 sin α/2। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या करा है, क्यू एज इट इज, ये जो ई था डाइपोल की फील्ड जो थी 2 kp / 12 sin α/2 का होल क्यूब, बेसिकली 2 kp/r³, ये हमने एक्सप्रेशन सब्सटीट्यूट करा है। सब्सटीट्यूट करने के बाद जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने पर, अब आप इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर सकते हो, आपने करा भी होगा इसको सिंप्लीफाई, तो आपको फाइनली ये एक्सप्रेशन मिलेगा। बस अब जो ये एक्सप्रेशन आया है, इस एक्सप्रेशन को हम लोग एज इट इज इक्वेशन नंबर 1, जो हमने फाइनल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की फाइंड करी थी, या यूँ बोलना चाहिए चार्ज की फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो हमने फाइंड करी थी, उसमें अगर हम इस एक्सप्रेशन को प्लेस करते हैं तो हमें फाइनल जो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की मिलती है वो मिलती है 2 mgh। इसकी जो वैल्यू आ रही है, इसकी वैल्यू भी mgh के इक्वल आती है, ये जो आ रही है हमने कैलकुलेट करके देखा है, तो इसकी वैल्यू mgh के इक्वल है। तो हम इसको सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी 2 mgh, और अकॉर्डिंगली क्वेश्चन में n फाइंड करना था, हमें क्वेश्चन में गिवन था कि टोटल वर्क डन होता है n mgh, तो जब हम उसको कंपेयर करेंगे तो हमें n की वैल्यू मिलेगी